वेलकम टू डीजे केक्स एंड व्लॉग्स। देखिए ये सुंदर हैप्पी न्यू ईयर थीम केक हम आज बनाने वाले हैं बहुत कम खर्चे में और एकदम सुपर ट्रिक से मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो देखिए मैंने हाफ के जी का केक बेक करके लिया, चॉकलेट केक है ये, 200 ग्राम प्रीमिक्स मैंने 6 इंच टिन में बेक करके लिया हुआ है और इसके हमको 3 इक्वल लेयर्स बनाने हैं। इस केक को मैं थोड़ा सा और टेस्टी और अलग बनाने के लिए इसको मैं एक ट्विस्ट लाने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए बोर्ड को हमने ऐसे क्रीम लगा के लिया हुआ है, फर्स्ट लेयर रखेंगे और उसको अच्छे से सोक कर लेंगे। सोकिंग इज़ द मस्ट, शुगर सिरप से मैं हमेशा सोक कर लेती हूँ। और देखिए मैं हमेशा पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाती हूँ, इक्वल और यूनिफॉर्म लगता है। और देखिए मैं इसमें ऑरेंज क्रश यूज़ कर रही हूँ, चॉकलेट के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो मेरा सजेशन है आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो न्यू बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि मैं आगे आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग और एंटीक लुक, मतलब मैंने जो ये वॉच केक टाइप बनाया हुआ है तो ये वॉच केक के लिए जो मैंने एंटीक लुक दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ ये देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखिए मैंने भी सेकेंड लेयर भी ऐसे सोक करके कोट करके लिया हुआ है और सेम हम क्रश डाल के इसको भी थर्ड लेयर लगा लेंगे। थर्ड लेयर के बाद में हमको इसको भी अच्छे से सोक करना और साइड हम हमेशा साइड मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी पहले साइड क्लीन कर लेने की उसके बाद में ही सोक करना है। तो देखिए अच्छे से सोक करके लेती हूँ और हमको क्रम कोट करना है। क्रम कोट भी एकदम इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है और क्रम कोट करने के बाद करीब आधा घंटा तो आपको केक को फ्रिज में रखना चाहिए सेट होने के लिए। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ और उसके बाद में ही मैं उसको फिनिशिंग करने के लिए लेती हूँ। तो देखिए हमारा क्रम कोट करके हो गया है। तो देखिए अभी हमारा आधा घंटा हो गया था और मेरे पास ये ग्रीन कलर का क्रीम बच गया था तो मैंने वही यूज़ किया हुआ है और उसी से हम एक सुंदर और बढ़िया ऐसा हम केक बनाने वाले हैं। बहुत बार हमारे पास एक्स्ट्रा क्रीम बन जाती है तो उसका क्या करना है हमको नहीं समझ में आता है। तो ये उन न्यू बिगनर्स के लिए एक और नया ट्रिक है जिससे वो बची हुई क्रीम से भी सुंदर केक बना सकते। तो देखिए हमेशा मैं टॉप क्लियर करके लेती हूँ और उसके बाद में ही मैं साइड क्लीन कर लेती हूँ। मेरे पास स्टील स्क्रैपर है तो मैं उसकी मदद से साइड अच्छे से प्लेन करके लेनी है क्योंकि ये हम क्लॉक बनाने वाले हैं, हैप्पी न्यू ईयर थीम केक बनाने वाले हैं। इसके लिए साइड एकदम हमको अच्छे से क्लीन करके लेनी है, प्रॉपर फिनिशिंग करके लेने का है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ग्रीन कलर से भी केक बहुत, मतलब ये ग्रीन कलर नहीं है बेसिकली ये पिस्ता कलर है, बहुत सुंदर दिखता है ये कलर भी। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए स्क्रैपर मैंने ये कोम स्क्रैपर से इसका टॉप थोड़ा क्लीन करके ले रही हूँ, थोड़ा मुझे टेक्सचर चाहिए था, मैं क्लॉक बनाने वाली हूँ इसके लिए मुझे थोड़ा उसमें टेक्सचर इफेक्ट चाहिए था इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो ये देखिए मेरे पास चोको चिप्स है उसमें मैं गोल्डन डस्ट डाल रही हूँ और ऐसे बस आपको ऐसे हिलाते जाना है, वो अपने आप उसको कोट कर लेंगे और वो जो आपका चोको चिप्स है उसमें एकदम सुपर्ब ऐसा टेक्सचर आ जाएगा, एकदम डिज़ाइनर केक आप बना सकते हो ये ट्रिक से। बहुत लोग आपको ये ट्रिक नहीं बताएंगे बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को कुछ नया पता चले। तो देखिए ऐसे हमको पूरी साइड इसकी कोट करके लेनी है चोको चिप से। मेरे बच्चों को भी देखिए कितना पसंद आ गया था, मैं जो बना रही थी तो वो आके देख रहे थे, उनको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमको इसको अच्छे से टॉप, मतलब हम साइड पूरी कवर करके लेने वाले हैं ये चोको चिप से ताकि उसको एक मेटालिक फिनिश आ जाए। बहुत सुंदर दिखता है ये न्यू ईयर थीम केक। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको कस्टमर ने बोला है कि कुछ उनको नया चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट
ऑप्शन। नया वीडियो में आपको पता चलेगा कि नए नए इनोवेशंस कैसे करने हैं। तो देखिए ऐसे हम इस तरीके से सारे कोट करके लेंगे, प्रॉपर वे से हम कोट कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीका, येट इतना एलिगेंट दिखता और इतना डिज़ाइनर ऐसा आपका फील आ जाता है। कम कॉस्टिंग में भी आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर केक आप बना सकते हो, आपके कस्टमर को भी पॉकेट फ्रेंडली दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोजअप में कि कितना सुंदर ये दिख रहा है। चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम घड़ी बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम 12 लिखेंगे और फिर बाकी के नंबर्स लिखेंगे। तो देखिए ऐसे मेरे इसमें एक्चुअली वो एक बटन मिस हो गया था, इसके लिए आपको वो छोटा सा वीडियो मिस हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं आगे आपको दिखा दूंगी कि ये नंबर्स मैंने कैसे लिखे। तो देखिए मैंने 12 लिखा है, 3, 6 और 9 लिख दिया था और उसके बीच में के नंबर्स अभी हम लिखेंगे ताकि इक्वल डिस्टेंस पे आप लिख सको और एकदम प्रॉपर घड़ी जैसा ये शेप आ जाए। और मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है और घड़ी का जो काटा है जो दोनों हैंड से ये मैंने 12 के ऊपर रखे हुए हैं ताकि हम 2022 को बाय बाय करें और 2023 को हेलो करें और उम्मीद करें कि आने वाला नया साल हम सबके ज़िंदगी में नई खुशियां लेके आए, सबके लिए अच्छी हेल्थ लेके आए, सबके जीवन में सुख शांति समाधान लेके आए। यही हम प्रार्थना करेंगे और नए साल का स्वागत करेंगे। और उसी थीम पे मैंने ये हैप्पी न्यू ईयर थीम केक बनाया। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रा सा भी आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए मैंने जो सिल्वर डस्ट पहले, गोल्डन डस्ट जो पहले यूज़ की थी, उसी से मैं थोड़ा और साइड को एनहांस कर रही हूँ जिससे वो और गोल्डन इफेक्ट दिखे और वो हमारा जो घड़ी का बैकग्राउंड है वो एकदम उठ के दिखे। बहुत कम खर्चे में भी हम एकदम डिज़ाइनर केक बना सकते हैं। तो देखिए इतना सुंदर और ज़बरदस्त केक हम घर के घर में बना सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो में आपको हर बार नए नए वेराइटीज़ देखने को मिलेंगे। देखिए कितना सुंदर और एलिगेंट ऐसा ये मेरा हैप्पी न्यू ईयर केक दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग DJ केक्स एंड व्लॉग्स। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।